हेलो व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, राजकीय महाविद्यालय सारंगढ़ पर एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वह है टेम्परेचर वेपर प्रेशर कर्व फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड ऑल्सो द थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अर्थात आदर्श और अनादर्श विलयक के जो दोनों अवयव होते हैं, उन दोनों अवयवों को हम प्रभाजी आसवन के सिद्धांत के माध्यम से किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि राउल्ट के नियम के अनुसार ऐसे विलयन जो कि अलग अलग वाष्प दाब रखते हैं, तो उन सभी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी निश्चित रूप से क्या होगा, अलग अलग होगा। अर्थात वाष्प दाब के संगत ही उनका जो क्वथनांक होता है वो होता है। तो ऐसा विलयन जिसका कि वाष्प दाब कम है, तो उसका जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और निश्चित रूप से जिस विलयन का वाष्प दाब अधिक होगा उसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। तो वह ताप जिस पर कि किसी विलयन का वाष्प दाब बाहरी दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को हम क्या कहते हैं, उस विलयन का क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो फॉर ए सॉल्यूशन, तो ऐसा विलयन जिसका कि वाष्प दाब यदि कम है, तो हमें उसे उसको बाहरी दाब के बराबर लाने के लिए विलयन का जो ताप है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर के उस द्रव की वाष्प बनेगी और वाष्प दाब बढ़ेगा। अर्थात ऐसे द्रव विलयन का जो क्वथनांक है उसका अधिक होने का क्या कारण है, यही कारण है, यानी कि उसका स्वयं का विलयन का वाष्प दाब कम है, तो हमें बाहरी दाब के बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त वाष्प उत्पन्न करनी पड़ेगी जिससे कि वाष्प दाब बढ़े। तो वो कब होगा, जब हम ताप को वृद्धि करेंगे, ताप बढ़ाएंगे। तो ऐसे विलयन जिनका कि वाष्प दाब कम होता है उनके अधिक क्वथनांक होने का क्या कारण है, यह कारण है। यहां पर एक टिपिकल टेम्परेचर वेपर प्रेशर कर्व दिया हुआ है किसी आदर्श विलयन के लिए। तो ये वास्तव में होता क्या है, एक ऐसा संबंध जो कि ताप, वेपर प्रेशर्स और संगठन को व्यक्त करे, तो इस कर्व को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कंपोजिशन ताप संगठन वक्र के नाम से जानते हैं। तो एक टिपिकल टेम्परेचर वेपर प्रेशर कर्व है ये किसी आदर्श विलयन के लिए, जहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर एक्स ए अपनी पूर्ण 1 मोल अवस्था में उपस्थित है, तो एक्स बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, ये एक्स ए का अपने शुद्ध अवस्था के अंदर वाष्प दाब है और ये एक्स बी का उसकी अपनी निश्चित शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। अब इस पर किस प्रकार से प्रभाजी आसवन कार्य करता है, इसकी डिटेल हम आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। द थ्योरी ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये टिपिकल आइडियल कर्व है हमारा जो अभी हमने पिछले स्लाइड में व्यक्त किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पी वी क्यू है, ये जो पी वी और क्यू है ये ताप और वाष्प के संगठन को व्यक्त करने वाला कर्व है, ताप और वाष्प के संगठन को व्यक्त करने वाला कर्व है। इसी प्रकार से पी एल क्यू, इसी प्रकार से पी एल क्यू जो है वो ताप और द्रव के संगठन को व्यक्त करने वाला कर्व है। हम देखते हैं कि जो द्रव का वक्र है वो वाष्प के वक्र से नीचे है, द्रव का वक्र वाष्प के वक्र से नीचे है। तो उसका कारण क्या है कि किसी निश्चित दाब पर वाष्प की जो अवस्था है वो बॉइलिंग टेम्परेचर से अधिक ताप लिए हुए हो सकती है। द्रव किसी भी परिस्थिति में उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से ऊपर के ताप पर स्थिर नहीं रहेगा, अतः जो वाष्प अवस्था है यहाँ पर वो हमेशा ही द्रव अवस्था से यहाँ पर ऊपर व्यक्त की हुई है। यदि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके की कंपोजिशन वाई है, ये कंपोजिशन वाई कोई एक सॉल्यूशन है जिसका कंपोजिशन वाई है, तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जैसे ही हम ताप बढ़ाएं इस विलयन का, तो वाष्प दाब में वृद्धि होगी और इस तापमान टी वाई पर आकर के ये वाष्प दाब रुक जाएगा, जो कि इस बिंदु पर इस विलयन का क्वथनांक बिंदु है, क्योंकि यहां पर आकर के वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब बाहरी दाब के बराबर आ गया। तो ये बिंदु इस ताप पर क्या कहलाएगा, इस विलयन का क्वथनांक बिंदु कहलाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर इक्वलाइजेस, टी वाई इज द बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट फॉर दैट सॉल्यूशन एट कंपोजिशन वाई।
इसलिए इस तापमान पर यानी कि टी वाई पर वेपर फेज में यानी कि ताप टी वाई पर जो द्रव विलयन उबलेगा बॉइल होगा उसकी जो वाष्प बनेगी उस वाष्प में हम इसके संगत जो संगठन यदि हम देखें तो उस संगत संगठन जेड पॉइंट पर क्या देखते हैं हम हमने बॉइल तो किया इस संगठन वाले द्रव को परंतु यहां पर जब द्रव बॉइल हुआ तो उसकी जो वाष्प बनी उस वाष्प का संगठन क्या है जेड यानी कि परसेंटेज ऑफ बी इंक्रीजेस प्रपोर्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंस्टिट्यूंट बी यानी कि जो अधिक वाष्पशील अवयव बी है उसका प्रतिशतता वाष्प प्रावस्था के अंदर क्या हो गई बढ़ गई। यदि हम इसको कंडेंस कर लें यानी कि संघनित कर लें तो हमें जेड विलयन जेड संगठन वाला विलयन क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। अब यदि हम अगेन इस जेड संगठन वाले विलयन को गर्म करें तो ये बिंदु क्या होगा इस संगठन वाले विलयन का क्वथनांक बिंदु होगा जो कि टी जेड है। तो यहां के संगत जो वाष्प बनेगी उस वाष्प का संगठन क्या होगा जेड होगा। हम देखते हैं कि वापस से जो बी का प्रपोर्शन है इस वाष्प प्रावस्था के अंदर क्या हो गया वो बढ़ चुका है। एट दिस टेम्परेचर टीवी वेपर फेज हैज नाउ मोर प्रपोर्शन ऑफ वॉलेटाइल कंस्टिट्यूट बी यानी कि जो अधिक वाष्पशील अवयव है बी उसका जो प्रपोर्शन है वो यहां पर क्या हो गया और अधिक बढ़ गया। सो इफ यू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट तो यदि हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाए तो अल्टीमेटली हमें क्या होगा कि वाष्प प्रावस्था में जो अवयव बी है वो हमें शुद्ध अवस्था में मिल जाएगा। तो जब एक अवयव बी यहां पर हमें शुद्ध अवस्था में मिल गया तो जो दूसरा अवयव ए है वो फ्लास्क में जो कि डिस्टिल्ड प्रोडक्ट के तौर पर नीचे ही द्रव अवस्था में रहेगा। अर्थात ऐसे तंत्र जो कि क्या है पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिश्रणीय है और राउल्ट के नियम का पालन यदि कर रहे हैं तो उसमें उपस्थित दोनों जो अवयव जो कि वाष्पशील अवयव होते हैं उन दोनों को हम प्रभाजी आसवन के माध्यम से आसानी के साथ में एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। सो द कंस्टिट्यूट ए विल बी लेफ्ट आउट एज ए लिक्विड स्टेट तो जो कंस्टिट्यूट ए है वो क्या होगा मात्र द्रव में शुद्ध अवस्था के अंदर उपस्थित होगा। अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं यहां पर टेम्परेचर प्रेशर कर्व पर एक एग्जाम्पल के तौर पर जो कि टॉलिन और बेंजीन का हमने एग्जाम्पल लेकर के यहां पर व्यक्त किया है। आप देख सकते हो यहां 100% टॉलिन है यहां पर तो यहां पर 100% बेंजीन है। मान लीजिए कि हमने इस संगठन वाले जो कि 50% ऑफ अट्रैक्शन बाय बेंजीन है को हमने गर्म किया तो एल बिंदु पर आकर के जो कि इस बिंदु पर इसका मेल्ट क्या है बॉइलिंग पॉइंट है 92.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉइल होगा तो बॉइल होने पर वाष्प जो प्रावस्था बनेगी उस वाष्प प्रावस्था का संगठन इसके संगत क्या होगा 71.5% है यानी कि इसके संगत वाष्प में बेंजीन का प्रतिशत क्या हो गया बढ़ गया। अब यदि मैं इसको कंडेंस कर लूं और कंडेंस करने के बाद वापस से इसे मैं गर्म करूं तो वापस से ये इस बिंदु पर जो कि 86.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर है बॉइल होगा और बॉइल होने पर इसकी जो वाष्प बनेगी उस वाष्प में वापस से बेंजीन का प्रतिशत बढ़कर के 86% हो गया। अगेन मैं रिपीट करूंगा तो 100% मुझे यहां पर क्या होगा वाष्प प्रावस्था में शुद्ध बेंजीन की प्राप्ति हो जाएगी और जो मात्र द्रव रहेगा उस मात्र द्रव के अंदर क्या होगा हमें टॉलिन शुद्ध अवस्था के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम टॉलिन और बेंजीन दोनों को हम इस प्रभाजी आसवन सिद्धांत के द्वारा क्या कर सकते हैं पृथक पृथक कर सकते हैं। तो ये किस कौन से तंत्र के लिए संभव है ऐसे तंत्र जो कि आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। ये टिपिकल टेम्परेचर प्रेशर कर्व है किसके लिए टॉलिन बेंजीन के लिए। अब हम बात करें यहां पर अनादर्श विलयनों के लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए और उनके टेम्परेचर वेपर प्रेशर कर्व को देखते हैं और उनके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थ्योरी कैसे काम करती है। सो द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनादर्श विलयन दे डजंट ऑबे राउल्ट्स लॉ कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन्हें प्रभाजी आसवन के द्वारा हम अलग अलग नहीं कर सकते। हाँ हालांकि वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मे गेट सेपरेटेड एक अवयव को हम क्या कर सकते हैं पृथक कर सकते हैं कैसे वो हम देखते हैं। दे बॉइल्स यानी कि जो विलयन ये जो बनाते हैं नॉन आइडियल तंत्र दे बॉइल्स एट ए टेम्परेचर यानी कि ये एक ऐसे तापमान पर क्या उबलते रहते हैं वेयर देयर कंपोजिशन रिमेन कॉन्स्टेंट जहां पर कि उनका जो संगठन है वो निश्चित रहता है आर कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सर जिनको हम क्या कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे विलयन विद डेफिनेट कंपोजिशन ऐसे विलयन जिनका कि एक निश्चित संगठन होता है जो क्या होंगे एक निश्चित तापमान पर क्या होंगे उबलते रहेंगे जहां पर कि उनका संगठन विलयन अवस्था में और वाष्प प्रावस्था में समान होगा इन्हें हम क्या कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सर के नाम से जानते हैं।
दे आर ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार के तंत्र हो सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जिनमें कि एक ऐसा बिंदु होगा जो कि उस पूरे तंत्र का न्यूनतम क्वथनांक बिंदु होगा, और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जहां पर कि उस पूरे तंत्र के अंदर एक ऐसा बिंदु होगा जो कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट लिए हुए होगा। यहां हम बात कर रहे हैं यहां पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के बारे में। सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पर कि आदर्श तंत्र के केस में कि आपको केवल यह एक ही प्रकार का यह नजर आ रहा था, जैसे अब यहां पर आपको दो अलग अलग प्रकार से नजर आते हैं। ये यहां पर एक्स ए वन है तो एक्स बी वन है, यानी कि 100% मॉलरिटी इधर है, यहां पर बी की है तो यहां पर ए की इधर मॉलरिटी सर्वाधिक है। इसका डिस्कशन हम यहां पर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यहां पर हम करते हैं। यह टिपिकल टेम्परेचर वेपर प्रेशर कर्व फॉर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के बारे में इसका डिस्कशन देखिए। ये देखिए सॉल्यूशन, ऐसे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन दर्शाते हैं, यानी कि ऐसे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से क्या धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, हमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मिलेगा। ध्यान रखिएगा पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वे तंत्र जिनमें कि जो कुल वाष्पदाब होता है वो वाष्पदाब क्या होता है, उन दोनों अवयवों के वाष्पदाब के कुल योग के वाष्पदाब से अधिक होगा। तो जब वाष्पदाब ज्यादा होगा तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो निश्चित रूप से क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे तंत्र क्या बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएंगे। यहां पर जो पॉइंट एम है वो मिनिमम टेम्परेचर वेयर वेपर फेज हैज कंपोजिशन वाई, ये मिनिमम बॉइलिंग टेम्परेचर है एजियोट्रोपिक मिश्र का, जिस समय संघटन जो है वो क्या वाई है। दिस पॉइंट इज एजियोट्रोपिक पॉइंट विच हैज कंपोजिशन वाई एंड टेम्परेचर टी ए, ये एजियोट्रोपिक पॉइंट है जहां पर कि ताप तो टी ए है और जो संघटन है वो वाई है। इफ यू हीट, यदि हम गर्म करें सॉल्यूशन ऑफ कंपोजिशन जेड, यानी कि हम एक विलयन जिसका कि संघटन जेड है यदि हम इसे गर्म करें तो वो इस बिंदु टी जेड पर आकर के क्या होगा, बॉइल होगा। एट दिस टेम्परेचर तो जो वेपर फेज होगी हैज मोर परसेंटेज ऑफ मोर वोलेटाइल कंस्टिट्यूंट बी, वेपर फेज में जो बी का परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ, परंतु इंपॉर्टेंट क्या है कि इन रेजिड्यू परसेंटेज ऑफ कंस्टिट्यूट ए इंक्रीजेस बट कंस्टिट्यूट बी अप्रोचेस टुवर्ड दिस एजियोट्रोपिक मिक्सर। यहां पर आकर के जैसे जैसे हम देखेंगे तो जो एजियोट्रोपिक मिक्सर है वो यहां आता है, तो इसका संघटन इस वक्र के सहारे यदि बढ़ेगा तो जो बी अवयव है वो एजियोट्रोपिक मिक्सर की ओर चला जा रहा है, लेकिन जो ए अवयव है वो क्या होगा, रेजिड्यू में द्रव के तौर पर रह जाएगा। सो विद रिपीटेड एक्सपेरिमेंट परसेंटेज ऑफ ए इन रेजिड्यू इंक्रीजेस एंड एट लास्ट इट कैन बी सेपरेटेड एज प्योर कंस्टिट्यूंट ए। तो अंत में जब हम इसको आगे और एक्सपेरिमेंट को रिपीटेड करते जाए, मान लिया कि हमने इसको यदि आगे बढ़ाया तो ये यहां पर आकर के इंक्रीज होगा, तो अवयव बी का परसेंटेज तो बढ़ गया लेकिन वो एजियोट्रोपिक मिक्सर के तौर पर बढ़ा। अगेन वापस यदि ये नीचे आता है फिर हमने इसको और इंक्रीज किया तो ये बी का तो बढ़ गया लेकिन वो एजियोट्रोप के रूप में चला गया, जबकि मात्र द्रव के अंदर क्या होगा, जो ए है हमारा कंपोनेंट, वो ए कंपोनेंट एज ए प्योर कंपोनेंट के तौर पर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इस परिस्थिति के द्वारा हम ए कंपोनेंट को तो सेपरेट कर सकते हैं जो कि द्रव के रूप में पृथक हो जाएगा, लेकिन जो बी है जो कि वाष्पशील अवयव है वो क्या होगा, हमारा यहाँ पर एजियोट्रोपिक मिक्सर के रूप में ही रहेगा और उसे हम यहाँ पर सेपरेट नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पर लिया है एथेनॉल वाटर सिस्टम को। आप देख सकते हो यहाँ पर एथेनॉल 0% इधर 100%, तो वाटर 100 है तो वाटर यहाँ 0% है, तो वाटर 100% है तो वाटर अपनी प्योरिफाइड स्टेट में हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप देख सकते हो यहां पर कि 78.13 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर इसका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक पॉइंट है, जहां पर कि संघटन 95.6% क्या है, एल्कोहल का, एथेनॉल का है। इसका डिस्कशन हम आगे देखते हैं यहां पर, ये डिस्कशन ये देखिए, ये पॉइंट सी, पॉइंट सी इज ए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है 78.13 ऑफ दिस एजियोट्रोपिक वेयर कंपोजिशन इज 95.6% मोल एथेनॉल का। इफ यू परफॉर्म डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्यूशन, यदि हम इस सॉल्यूशन जेट का डिस्टिलेशन करें देन वी विल गेट वाटर एंड एजियोट्रोप एट डिस्टिल प्रोडक्ट, तो इसके आसुत से हमें जल और एजियोट्रोप क्या होगा वो प्राप्त होगा, लेकिन रेजिड्यू के अंदर क्या होगा,
एडिशनल प्रोडक्ट एंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन रेजिड्यू इंक्रीज्ड, क्योंकि ये जो वाष्प प्रावस्था है, इस वाष्प प्रावस्था में ये जो एथेनॉल है इसका संघटन वृद्धि में वृद्धि हो रही है। तो एथेनॉल तो एज ए एजिट्रोप इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो रेजिड्यू है, अवशेष जो रहेगा मात्रा में, वहां पर जल के रूप में क्या रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। सो विद द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट वी विल गेट प्योर वाटर एट लास्ट एज रेजिड्यू इन फ्लास्क, बट नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर अल्कोहल हियर। यानी कि इस एरिया में यदि हम किसी भी संगठन वाले विलयन का आसवन यदि हम करें तो हम केवल द्रव को ही शुद्ध अवस्था में पा सकते हैं, अल्कोहल को हम यहां पर नहीं पा सकते, क्योंकि अल्कोहल एजियोट्रॉप के रूप में प्राप्त होता है। सेम एज यदि हम इसी परिस्थिति को इस एरिया में यदि हम करें, मान लिया कि हमने यहां पर ये वाई संगठन वाले विलयन को गर्म किया, तो इस पी बिंदु पर आकर के ये बॉइल होना शुरू होगा, जिसमें कि वाष्प प्रावस्था में क्या हुआ, यहां पर अब इधर की तरफ वाटर है, तो वाष्प प्रावस्था में वाटर का जो संगठन है उसमें वृद्धि हुई, किसकी, जल वाष्प की, परंतु मात्र द्रव में क्या है, अल्कोहल की वृद्धि हो गई। तो इस एरिया में यदि इस एक्सपेरिमेंट को हम कंटिन्यूसली रिपीट करें, हम देखते हैं कि मात्र द्रव में आप यहां पर अब अल्कोहल को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो जल है वो वाष्प प्रावस्था के रूप में अल्टीमेटली यहां पर क्या होगा, एजियोट्रोप के रूप में क्या आएगा, प्राप्त होगा। और ये एजियोट्रोप इसी बिंदु पर 78.13 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, उबलता रहेगा। इस एजियोट्रोपिक पॉइंट का ये मतलब है कि ये जो संगठन है इस विलयन का, वो इस बिंदु पर और यहां पर एक समान है। तो इस प्रकार से हम यहां पर देख सकते हैं कि हम यहां पर किसी एक अवयव को तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरे अवयव को हम यहां पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के कुछ एग्जांपल्स हमने यहां पर दे रखे हैं, जिसमें कि दो कंपोनेंट ए बी, उनका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होगा वो दे रखा है यहां पर, और कंपोजिशन बी के रेफरेंस में दे रखा है। जैसे वाटर एथेनॉल के केस में हमने पढ़ा था कि एथेनॉल जब 95.6% हो और जो टेम्परेचर यदि 78.13 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का फॉर्मेशन करेंगे। ये इसी प्रकार से कुछ अदर एग्जांपल्स हैं। आगे हम बात करेंगे यहां पर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप के बारे में। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है यहां पर, एक टिपिकल कर्व दे रखा है यहां पर। अब आप देख सकते हो कि ये कर्व जो है वो पहले वाला जो कर्व था उससे रिवर्स हो गया, ये रिवर्स हो गया। अब इसका डिस्कशन भी निश्चित रूप से अब हम यहां पर आसानी से कर सकते हैं। ऐसे विलयन जो कि राउल के नियम से नेगेटिव डेविएशन देंगे, नेगेटिव डेविएशन यानी कि जिनमें की कुल वाष्प दाब दोनों अवयवों के कुल वाष्प दाब से कम होगा, तो जब ऐसा होगा तो वाष्प दाब कम होने के कारण उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये अभी हमें उच्चिष्ट के रूप में प्राप्त होगा। तो पॉइंट एम इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, जो पॉइंट एम है वो यह मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेपर फेज है, मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां पर कि ये इसका एजियोट्रोपिक पॉइंट कहलाएगा, जहां पर जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन क्या, वाई है। दिस पॉइंट इज एजियोट्रोपिक पॉइंट विच इज कंपोजिशन वाई एंड टेम्परेचर टी ए। अगेन इफ यू हीट सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट जेड एक्स, तो यदि हम इस जेड एक्स वाले कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को गर्म करें, तो हम देखते हैं कि यदि हम इसे गर्म करते हैं तो इसकी संगत जो वाष्प बनेगी, उस वाष्प प्रावस्था में कंपोनेंट ए इधर की तरफ उसका परसेंटेज इंक्रीज हो गया। अगेन इसको यदि हम कूल करें और फिर यदि हम इसे गर्म करके हैं, तो वापस से हम देखते हैं कि इधर ए का परसेंटेज इंक्रीज हो गया। तो यानी कि इस एरिया में यदि हम इसका डिस्टिलेश करें तो कंपोनेंट ए को हम वाष्प प्रावस्था के रूप में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जो रेजिड्यू के रूप में है, अवशेष के रूप में, वो हमें दूसरा कंपोनेंट बी है वो एज ए एजियोट्रोप के रूप में यहां पर रहेगा। Important is that in residue percentage of azeotrope composition increase it, but constituent B approaches towards the azeotropic composition. और इसीलिए जो composition component B है वो azeotrope mixture के रूप में यहाँ पर चला जाएगा, लेकिन A को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वाष्प प्रावस्था के रूप में अलग कर सकते हैं। So with the repeated experiment, percentage of A in vapor phase increases. एक ही परसेंटेज इंक्रीज होती चली जाती है, एंड एट लास्ट इट कैन बी सेपरेटेड एज प्योर कंपोनेंट या प्योर कंस्टिट्यूएंट ए, बट बी कैन नॉट बी सेपरेटेड एज ए प्योर कंस्टिट्यूएंट हियर। तो यहां पर हम ए को तो हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन बी को क्या है, यहां पर अलग नहीं कर सकते।
ये एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म 0%, तो इधर 100%, तो एसीटोन 100%, तो यहाँ पर एसीटोन 0%। इसके डिस्कशन को भी हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और आसानी से हम देखेंगे। सेम डिस्कशन है जैसा कि अभी हमने मेनी उसमें किया था, सॉरी यहाँ पर ये इसे है मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम के लिए है, तो यहाँ भी ये मैक्सिमम होगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पॉइंट डी इज ए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट डी है वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है। कौन से तत्व है यहाँ पर? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। यानी कि एसीटोन इधर यहाँ पर ए कंपोनेंट है जो कि 100% है, और यहाँ पर बी कंपोनेंट है वो क्लोरोफॉर्म जो कि 100% है। इनका जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक पॉइंट है वो पॉइंट डी, जहां पर की टेम्परेचर है 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कंपोजिशन है वो है 80% क्लोरोफॉर्म। सो इफ यू परफॉर्म डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्यूशन विद एक्स, यदि हमने एक्स संगठन वाले विलयन का डिस्टिलेशन किया, तो हम देखते हैं कि यहां पर कि जो एज डिस्टिल प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलेगा? एसीटोन की वेपर और एजियोट्रोप। तो एसीटोन की वेपर लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ती चली जाएगी, तो आप इस एरिया के अंदर यदि किसी भी विलयन का डिस्टिलेशन करेंगे तो आपको एसीटोन एज ए वेपर फेस प्योर फॉर्म के अंदर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो क्लोरोफॉर्म है वो आपको हमेशा ही एज ए एजियोट्रोप के रूप में यहां पर रह जाएगा। विद ए रिपीटेड एक्सपेरिमेंट वी विल गेट प्योर एसीटोन एट लास्ट एट द वेपर फेज, बट नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन प्योर क्लोरोफॉर्म बिकॉज इट रिमेन्स एज ए एजियोट्रोपिक मिक्सर। इसी प्रकार से यदि हम दूसरी तरफ वाले एरिया में यदि परफॉर्म करें, यदि हम वाई को यदि हम गर्म करें, तो हम देखते हैं कि वाई के करस्पॉन्डिंग जो वेपर फेज का कंपोजिशन है वो वाई डैश है, जहां पर कि क्लोरोफॉर्म का परसेंटेज इंक्रीज हो गया। तो यहां पर अब आपको क्लोरोफॉर्म एज ए वेपर फेज प्योर स्टेट के अंदर प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जो एसीटोन है वो एसीटोन यहां पर आपको एज ए एजियोट्रोप ही रहेगा। तो इस प्रकार से इस एरिया के अंदर आप एक कंस्टिट्यूएंट को और इस एरिया के अंदर आप एक कंस्टिट्यूएंट को यहां पर हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के किसी एक अवयव को हम यहां पर शुद्ध अवस्था के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे अवयव को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये इनके एग्जांपल्स यहां पर दिए हुए हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, फेज रूल से संबंधित जितने भी आपको लेक्चर दिए हुए हैं वो यहां पर एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट सजेस्ट की हुई है, आप प्लीज उन्हें देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई किसी भी प्रकार की क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसे लिखिए, और हाँ किसी भी वीडियो का जब तक आप अंत तक पूरा यदि नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में नहीं आएगा। इन्फॉर्मेशन टैब में भी मैंने यहाँ पर लिंक शेयर किया हुआ है इससे पहले वाले वीडियो का, तो आप उसे देख सकते हैं यहाँ पर। Thank you.